जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले पहले ODI मैच की। दोस्तों, अब आप कहोगे इसका जो डाटा है वो तो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, है ना। लेकिन जो लोग क्रिकबज अभी कहते हैं ना कि हम चेक नहीं करते, लेकिन जो लोग रेगुलर क्रिकबज चेक करते हैं उन्हें सारा डाटा मिल चुका होगा। लेकिन क्या डाटा मिलना ही सब कुछ है? ये भी बात आप सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डाटा तो आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ऐप दे देता, लेकिन फिर भी जितने लगाते हैं आते तो उतने ही हैं, कभी कभी उतने भी नहीं आते, है ना। तो दोस्तों, नेक्स्ट 2-3 डेज सैटरडे या संडे को ना आपको एक स्पेशल जो होती है ना, एक स्पेशल टिप्स मिलेंगी कि कैसे आप ग्रैंड लीग वन कर सकते हो। अब आप कहोगे कैसे वन कर सकते हो, है ना, अभी तक तो जीते नहीं। फिर यूट्यूबर आपको कैसे कह सकते हैं कि यार हम इतना जीत गए, हम उतना जीत गए, है ना। तो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा दोस्तों, सैटरडे या संडे जब भी मैं फ्री हुआ आपको एक मस्त मैं टिप्स दूंगा। आप खुद कहोगे कि सर यस, उस वीडियो के बाद ना आप खुद कहोगे कि सर हम ग्रैंड लीग वन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा सैटरडे या संडे, मैं वो वीडियो तैयार करवा लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आज के टॉपिक पे बात करते हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो ये देखिए दोस्तों, जो रेगुलर क्रिकबज चेक करते हैं, अभी तक अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि देख सभी रहे हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो जल्दी से लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों, जो लोग रेगुलर मैचेस को फॉलो करते हैं उन्होंने देख लिया होगा कि श्रीलंका के जो T20 मैचेस हुए थे उसी पिच पे ये मैच होने वाले हैं दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के ODI। अगर आप लोग शेड्यूल में झांकेंगे तो ये देखिए दोस्तों, 3 T20 हैं और 3 ODI, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले पिच की जहाँ तक बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है पिच रिपोर्ट दोस्तों। ये सब कुछ ना मैं जब ग्रैंड लीग वाली वीडियो बनाऊंगा ना उसमें सब कुछ कवर करूंगा, ताकि आपको एक तरीके से ना उस वीडियो के बाद लगे कि हाँ यार हम जीत सकते हैं। हो सकता है एक दो मैचेस ना जीत पाऊँ, लेकिन उसके बाद ना आपकी टीम जो है ना वो अप 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 ऊपर ही ऊपर जाएगी दोस्तों, और GL भी ज़रूर जीतेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। द सर्फिस इज फॉर द T20I अगेंस्ट श्रीलंका इन कार्डिफ 2 वीक्स अगो, जस्ट 15 दिन पहले दोस्तों, वर लिटल टू पेस्ट एंड नॉट पार्शली ईजी फॉर बैटिंग दोस्तों, पर्टिकुलरली ईजी फॉर बैटिंग, मतलब के बैटिंग के लिए पिच आसान नहीं है। फास्ट बॉलर्स ऑन बोथ द टीम सर्टनली इंजॉयज द कंडीशंस, समझ आ गया होगा दोस्तों, पेसर्स लेने हैं आपको और बैट्समैन कम लेने हैं, ठीक है। देन इट कुड बी द सेम अगेन फॉर दिस मैच, वाइल द शॉर्ट स्टेट बाउंड्रीज इन कार्डिफ मे मीन बोथ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान रिलक्टेंट टू प्ले मोर देन वन स्पिनर, फ्रंट लाइन स्पिनर, तो एक तरीके से ज़्यादा स्पिनर मुझे नहीं लगता ये खिलाएंगे, एक ही स्पिनर के साथ खेलेंगे। वेदर क्लियर रहेगा जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो वेदर की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब स्क्वाड की बात करें तो ये बी टीम लग रही है दोस्तों मुझे इंग्लैंड की, चलो जो भी है, बेन स्टोक्स के साथ हम ए टीम भी कह सकते हैं इसको। तो अगर प्लेइंग 11 ये कुछ आप पढ़ लेना दोस्तों, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप खुद देख सकते हो। कुछ नए चेहरे को नाम दे रहे हैं ये, अपना डैनी लॉरिसन, ग्रेगरी, अपना जेट कॉर्ले, जो भी आप खुद देख लेना दोस्तों, ठीक है। हम ज़्यादा फ्री में वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो जैक कार्ले एक तरीके से ये उसके लिए खेलते थे, इनकी जो T20 डोमेस्टिक होती है, यहाँ पे लिखा भी होगा कैंट शायद, हाँ कैंट दोस्तों, कैंट की तरफ से ये ओपनिंग करते थे, तो यहाँ पे इन्हें मौका दिया जा सकता है जेम्स विंस के साथ। फिर डेविड मलन है, बेन स्टोक्स, दोस्तों डेविड मलन का आप सबको पता है ना, पहले 2 मैचों में नहीं चलते, 3रे में धमाका करते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बाकी ODI चल भी सकते हैं, वो T20 के रिकॉर्ड्स हैं इनके। फिर डैनी लॉरिसन है दोस्तों, अपना बेन टकेट है, ग्रेगरी बहुत तगड़े बॉलर हैं दोस्तों, क्रेग ओवरटन भी उनके ही साथी हैं, साकिब महमूद है दोस्तों, पार्किंसन है,
पार्किंसन स्पिनर हैं दोस्तों, कोई एक खेलेगा। हाँ जी हाँ, डैनी ब्रिग्स, दोनों में से कोई एक खेलेगा दोस्तों, ठीक है। जैक बॉल, जैक बॉल दोस्तों या तो कुछ भी नहीं करेंगे या दो तीन विकेट लेके जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। और ये बंदा ओपनिंग भी कर सकता है बॉलिंग की दोस्तों, ध्यान रखना थोड़े सा साकिब महमूद के साथ। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए ज़्यादा नहीं देखेंगे, डायरेक्टली प्लेइंग 11 पर ही चलेंगे दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इमाम फ़कर, इमाम कभी तो बिल्कुल ही साइड की कर दिया जाता है इन्हें, कभी इन्हें प्राइम ले लिया जाता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा इनका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फ़कर जमान है, बाबर इनके कैप्टन है, रिजवान क्या आवाज़ है, बहुत बड़ा नाम दोस्तों T20s में। उसके बाद साकिब शोएब मकसूद दोस्तों खेलेंगे, शकील का नाम ज़रूर आ रहा, लेकिन 2016 के बाद जो इन्होंने एक बढ़िया प्रदर्शन किया है ना, 34 साल की एज में दोबारा कमबैक किया, बहुत तगड़ा किया है दोस्तों। उसके बाद शादाब खान है, नवाज़ इनके ऑलराउंडर की भूमिका में है अशरफ के साथ, फिर इनके शाहिन शाह अफरीदी है, हसन अली और रूफ, ये इनकी पेस तिगड़ी है दोस्तों, तिगड़ी नहीं कहूँगा, चार पेसर इनके पास दोस्तों, ठीक है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो हो गई प्लेइंग 11, अब बताइए प्राइम प्लेयर्स, वो भी दोनों के अलग अलग है ना, तो चलिए बताने चलते हैं फिर आपको, थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। तो चलिए फिर ओपन करते हैं फैन कोड, आपको बता दोस्तों मैं सब जगह से एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद जाके बढ़िया टीम बनती है। तो यहाँ पे आ चुका होगा अभी तक, शेड्यूल में चलते हैं, अपकमिंग में पड़ा होगा मैच, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, क्या बात है, वुमेन्स के मैच आ गए, पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, ये पड़ा दोस्तों। ओवरव्यू देखते हैं, स्क्वाड देखते हैं, अपडेट्स देखते हैं, अपडेट्स तो खैर आती रहेगी दोस्तों, कोई बात नहीं, ये आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। अरे टेलीग्राम का भी यार आपको बताना है कैसे ज्वाइन करना है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वाड में चलते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी प्लेइंग 11 देखेंगे। तो कार्ले की हमने बात की, कार्ले का पूरा रिकॉर्ड देखिए, यहाँ से आपको पता लगेगा कुछ भी नहीं है दोस्तों इनका ODI में, लेकिन T20 खेले हैं क्या ये, जी नहीं, टेस्ट खेले हैं, अगर टेस्ट खेले हैं दोस्तों तो इनका मुझे लगता है पुराना ही देख लेते हैं, कैंट वगैरह के साथ जो था। तो लगातार बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहे हैं दोस्तों T20 फॉर्मेट में, 69, 43, 43, 39, 24, यानी प्लेयर बढ़िया है दोस्तों, प्लेयर बेकार नहीं है, ठीक है। तो प्राइम लिस्ट में तो रखा जा सकता है, बैट बॉल और ड्रीम 11 दोनों में ओपन करेंगे हम, ड्रीम 11 की जगह दोस्तों अगर आप बैट बॉल पे खेलेंगे तो बेटर रहेगा, क्यों, यहाँ पे ना आपको हेड टू हेड के रेट बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, तो उसका आपको एक तरीके से फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। अब इनके साथ कौन करेगा दोस्तों, डेविड मलन है शायद, जेम्स विंस दोस्तों, जेम्स विंस के बारे में देखा जाएगा पूरा इनका एक तरीके से, लास्ट कुछ मैचेस देखे जाएंगे, सबसे पहले करियर में चलते हैं देखते हैं रीसेंट दोस्तों, ये रहा ODI रीसेंट, कब खेले थे इन्होंने, यहाँ पे देखते हैं बायो में पता लग जाएगा, रीसेंटली बिल्कुल ही रीसेंट आ जाता है, चाहे ये उनकी आ जाती है, क्या कहते हैं इसको अपना, इनके जो चल रहे हैं इनके T20s, तो कुछ खास तो नहीं है दोस्तों इनका, प्लेयर बढ़िया है। तो आप जैक कार्ले और इनमें से कोई एक बंदा ले सकते हो, ठीक है, जनता मैं पहले बता दूं, जनता जेम्स विंस के साथ जाएगी, वो कार्ले के साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपको तो ये देखना है कि कौन आपको पॉइंट ज़्यादा देख के जाएगा, क्या वो कार्ले होगा या फिर वो जेम्स विंस होगा, ये देखिए जनता विंस के साथ जा रही है मैं पहले बता दूं, लेकिन आप जा सकते हो कार्ले के साथ भी। तो एक तरीके से हम ना साइड में थोड़े थोड़े से नोट्स बना देते ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई। तो ये देखिए स्पेलिंग शायद गलत हो जाए, स्पेलिंग आपके लिए मैटर नहीं करते दोस्तों, क्रॉले वही मैं बोल रहा था, स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो सकती है, क्यों, क्योंकि लाइव नोट्स कोई भी नहीं बनाता, UDCRA केवल आपके लिए बनाते हैं दोस्तों, लाइव नोट्स में जिगरा चाहिए होता है, GL विंस, क्योंकि अगर हेड टू हेड है तो आप रिस्क नहीं ले सकते,
तो विंस आपको रखने हैं स्मॉल लीग के लिए, ठीक है। ये हम बना रहे हैं ताकि आपके ये काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्लेयर वन डाउन पे डेविड मलन है। दोस्तों डेविड मलन देखते हैं क्या कर रहे हैं। दोस्तों मेहनत तो लगेगी, मैं केवल प्लेइंग 11 की बात करूँगा तो ज़्यादा टाइम शायद ना लगे। तो मलन ने श्रीलंका की अगेंस्ट, जैसे मैं बोल रहा था, पहले दो में बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन उसके बाद कहर मचा दिया इन्होंने दोस्तों, ठीक है। अब यही अगर हम ODIs की करें तो बात रिसेंट, ये देखो 50 इंडिया के खिलाफ भी है इनका, T20s में 76-68। यहाँ भी देखो दोस्तों, यहाँ भी लास्ट में चले हैं, आखिरी मैच में चलते हैं, लेकिन नाम बड़ा है तो जनता ने पक्का लिया होगा। ये देखो 81% जनता ने लिया है, बाबर के बाद नंबर ही इनका आ रहा है। तो स्मॉल लीग में फिर भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि रिस्क कवर है दोस्तों, ठीक है। मलन, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया पहले मैच में ये चलते चुलते नहीं है, आपको मैं रीज़न बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जनता के साथ जाना पड़ता है दोस्तों, कभी कभी स्मॉल लीग की टीम तभी जीतती है, ठीक है। अब उसके बाद मलन के बाद शायद बेन स्टोक्स का नाम है, देखिए ज़रा कहाँ पे अपना। हाँ, तो ऐसे प्लेयर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा जिसे पक्का पता ही है कि यार लेना ही लेना है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसको ऐसे ही ले लिया जाएगा। मलन के बाद डैनी लॉरेंसन, कुछ नए प्लेयर जिनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। डैनी लॉरेंसन, लॉरेंस की अगर बात की जाए तो ये देखो रिसेंटली 55 रन की पारी खेल के गए, एक विकेट भी लिया है, यानी कि ऑलराउंडर की भूमिका में ये आपको दिख सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर देखे जरा कौन से नंबर पर आ रहा है इनका, 5वें पे है। तो ODI मैच है, बैटिंग के चांस पूरे हैं, ले सकते हो यार डैनी लॉरेंस को। देखिए ज़रा करियर में कोई मैच खेले हैं क्या, ODI तो नहीं खेले, टेस्ट खेले होंगे शायद, 81-35। तो GL ले सकते हो, जनता ने बहुत कम लिया होगा इनको, जी हाँ, क्योंकि लॉरेंस नाम नया है ना, काम बड़े हो सकते हैं लेकिन नाम छोटा है अभी लॉरेंस, ठीक है। GL में दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना आपको, कौन सा प्लेयर आपको GL में चाहिए, कौन सा प्लेयर आप स्मॉल लीग में एडजस्ट कर सकते हो। लॉरेंस के बाद कौन है, मेरा काम ही यही है दोस्तों फुल स्टडी करके। बेन डकेट, तो ये एक नया नाम है दोस्तों आपके लिए, लेकिन हम इसे भी पुराना कर देंगे। बेन डकेट कहाँ पे है, ये देखिए कुछ खास तो नहीं है दोस्तों इनका, T20 है, कभी कभी तेज़ खेलना पड़ जाता है तो इग्नोरेंस बेटर है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। तो डकेट के बाद ग्रेगरी एक बड़ा नाम है दोस्तों, अभी ग्रेगरी का आपको प्रदर्शन दिखाया जाएगा। ये देखिए रिसेंट मैचेस में 1 तारीख को 5 विकेट, 28 तारीख को 4 विकेट, 25 तारीख को 3 विकेट। अब चलते हैं थोड़ा सा ODI देखने इनका, वो क्या कर रहे हैं। ODI में इनका डेब्यू है तो T20 खेले होंगे, T20 में इतना कुछ खास नहीं है, कि टेस्ट भी खेले हैं, टेस्ट नहीं लेकिन नाम बड़ा है तो लेना तो पड़ेगा दोस्तों। कुछ प्लेयर है जिनको मैंने कहा ना आँख बंद करके लेना पड़ेगा, तो ग्रेगरी का नाम उसमें आ सकता है क्योंकि बॉलिंग भी करेगा बंदा, बैटिंग शायद लेट आए, बॉलिंग तो करेगा। तो अगर हमें बाहर करना हुआ तो हम कर गएंगे, क्यों? क्योंकि ओवरटन एक बड़ा नाम है दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर में है क्या, जी नहीं, क्रेग ओवरटन कहाँ पर है, ये पड़ा। प्रदर्शन मैं दिखाता हूँ इसका, क्रेग ओवरटन ये पड़ा, ये देखो 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। अब ODI देखते हैं इनके ODI में कोई प्रदर्शन है क्या, एक ही मैच खेला था ये बंदा T20 में है नहीं, टेस्ट में, तो टेस्ट में विकेट्स ले रहे हैं। ओवरटन दोस्तों वैसे भी एक तरीके से अगर देखा जाए कोई भी पेसर है वो इम्पोर्टेंट रहेगा पिच पे, ठीक है। ग्रेगरी की जहाँ तक बात की जाए दोस्तों, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो अगर दिक्कत आई तो दोनों में से कोई एक ले लिया जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं तो इनको भी, ग्रेगरी और ओवरटन, क्रेग लिख लेते हैं, क्रेग ओवरटन, ठीक है। अब देखते हैं आगे इनके और भी बॉलर है, जैक बॉल एक बड़ा नाम है मुझे लगता है, डैनी ब्रिग्स एक बढ़िया नाम है इनका, जो भी दोनों में से खेलेगा दोस्तों स्पिनर वो देख लेंगे, क्योंकि 10 ओवर होंगे स्पिनर के अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अगला प्लेयर देखे कौन सा है? साकिब महमूद। तो साकिब महमूद कहाँ पे है? क्या बात है, क्या बात है, बंदा इनफॉर्म है दोस्तों, और वैसे भी पेसर है, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, बंदा इनफॉर्म चल रहा है। तो साकिब महमूद एक बड़ा नाम आ गया इनका। उसके बाद मार्क पार्किंसन, देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक एक विकेट ये भी ले रहे हैं, तो ठीक ठाक है दोस्तों, बंदा बेकार नहीं है। डैनी ब्रिग्स भी था इनका दूसरा, दो कोई एक खेलेगा ना, तो डैनी ब्रिग्स भी ठीक ठाक है, स्पिनर है। जैक बॉल रह गए अकेले। ये बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, पेसर सारे ही इनके बढ़िया कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनका एक तरीके से बॉलिंग लाइनअप सारा। पांच प्लेयर हमने ले लिए दोस्तों, इनमें से एक दो प्लेयर हम ले लेंगे, तो अब इसे क्लियर किया जाएगा। स्क्रीनशॉट हमने रख लिया है, वो देख लेंगे इनमें से कौन से बॉलर हमें लेने हैं। अब डायरेक्टली चलते हैं इनके बैटिंग सेक्शन पे दोस्तों। स्टडी हम कर चुके हैं, डायरेक्टली हम बैटिंग सेक्शन ले सकते हैं। तो हमने मलन पे की थी दोस्तों स्टडी, हमने विंस और कार्ले में से कोई एक बंदा लेना था, एक हमारे पास बेन स्टोक्स था ही दोस्तों, ठीक है, और इनका कोई प्लेयर नहीं था। तो ये हो गई इनकी बैटिंग यूनिट। अब चलते हैं पाकिस्तान की टीम पे दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर एक बढ़िया टीम बनानी है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम पाकिस्तान में भी इतनी ही मेहनत लगाएंगे, क्योंकि UDCR दोस्तों कोई भी रिस्क नहीं लेते। तो रिजवान प्रदर्शन देखा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो T20 है, ये वनडे है, लेकिन उससे पहले हम बैटिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं, इमाम और फ़कर दोनों का एक साथ प्रदर्शन देखते हैं, ताकि थोड़ी सी वीडियो छोटी हो सके, ठीक है। इमाम उल हक, मैं इस प्रदर्शन को बढ़िया नहीं कहता, ठीक है। एक बार करियर में देखा जाए, ODI की जगह T20 फॉलो किया जाए इनका, जी नहीं, तो दो इनिंग्स ही बढ़िया है। एक बार फकर को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं वैसे इस प्रदर्शन को भी बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन ये T20 है, ODI में देखते हैं फकर क्या कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। क्या बात है दोस्तों, कहर, बिल्कुल ही कहर दोस्तों। तो एक चीज़ तो श्योर है, फकर को तो लेना पड़ेगा। इमाम GL के लिए रख सकते हैं हम अपना प्लेयर, GL, ठीक है। रीसेंट मैच फकर के बहुत तगड़े गए हैं। अब चलते हैं दूसरे प्लेयर, जिन प्लेयर को आंख बंद करके लेना, बाबर का नाम उनमें आता है, मोहम्मद रिजवान, इनका प्रदर्शन देखा जाएगा, स्पेशली ODIs में। रिजवान ये पड़े, T20s में यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है वैसे दोस्तों, जो इनकी PSL हुई थी, रिसेंट ODI मैचेस। तो इस प्रदर्शन के बेस पे मैं इन्हें GL पिक बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम लेंगे ज़रूर, क्यों, क्योंकि जनता के साथ भी हमें जाना पड़ता है। लेकिन प्रदर्शन मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों इनका, ठीक है, रिसेंट। अब इनका T20 भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन ये देखिए T20 बहुत तगड़ा है इनका, क्योंकि ओपनिंग में आते हैं T20 में। ध्यान रखिए दोस्तों, पोजीशन भी मैटर करती है, कई कई प्लेयर्स को ना, जैसे ओपनिंग है तो ओपनिंग ही रास आती है। अब रोहित शर्मा जब आए थे तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाएगा, वो प्लेयर भी मिडिल ऑर्डर के थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ओपनिंग दिखाया, इंडिया का रंग रूप बदल गया, ऐसा रिकॉर्ड बना जो शायद बहुत देर बाद जाके टूटेगा दोस्तों, 264 रन का। कहते हैं ना, कभी कभी बंदे को खुद ही अपनी काबिलियत का पता नहीं होता, रोहित शर्मा शायद उन प्लेयर्स में से है कि वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आएगा शोएब मकसूद या शकील, तो शकील के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि मकसूद खेलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मकसूद देखे जाएंगे वो क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो पेशावर वाली इनकी हुई थी दोस्तों अपना मुल्तान की, PSL 65, 59, 60 प्रदर्शन बहुत तगड़ा था, लेकिन ODI मैच इसमें देखा जाएगा।
तो डेब्यूटेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत पुराने मैचेस का एनालिसिस मिलेगा आपको। तो एक तरीके से हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन प्लेयर तगड़ा है लिया जा सकता है। तो फक अपना इसकी जगह पे हम लिखेंगे इसको शोएब मकसूद, ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लेंगे प्लेयर। अब अगला प्लेयर देखते हैं, शादाब खान नवाज, दोनों में से कोई एक, ये तो मुझे दिख ही रहा है दोस्तों, बिकॉज दोनों प्लेयर्स एक तरीके से देखा जाए तो मिल बांट के ओवर करें, क्योंकि रूफ हसन अली, शाहीन अफरीदी और फहीम, ये दो तीनों चारों, ये चार प्लेयर मिलके मुझे लगता है 35 ओवर करेंगे, और ये दोनों प्लेयर 12-13 ओवर करेंगे एक तरीके से, तो बाकी बचे हुए ओवर पेसर करेंगे। तो नवाज़ और शादाब खान, देखते हैं एक बार दोनों का प्रदर्शन, उसके बाद लिए देखा जाएगा कि किसे लेना है। नवाज़ विकेट्स तो ले रहे हैं, लेकिन ODI में देखते हैं क्या बॉलिंग करते भी हैं। क्या बात है, बढ़िया प्रदर्शन दोस्तों, बैटिंग बिल्कुल ही माड़े हाल, लेकिन बॉलिंग तगड़ी है। शादाब की देखी जाए एक बार, ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन हमें तो ये मैले देखने हैं ना, तो कुछ खास कह भी सकते हैं नहीं भी, तो दोनों को ही एक बार वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं अपनी, शादाब और नवाज़, ठीक है। आगे चलते हैं फहीम अशरफ पे, फहीम अशरफ अकेला प्लेयर जो ऑलराउंडर कैटेगरी का बचा है। करियर बेस्ट पे चलते हैं इनके, एक 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 एक, तो ये भी हम दोस्तों GL में ही रखेंगे फहीम, क्योंकि कुछ खास तो प्रदर्शन इसका भी नहीं है। बॉलिंग लाइनअप पे चलते हैं, इनके जो तीन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, कुछ प्लेयर जिनको आंख बंद करके देना, उनमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी आएगा। उसके बाद हसन अली और रूफ, दोनों का प्रदर्शन देखा जाएगा। हसन अली साहब क्या कर रहे हैं, बैटिंग नहीं देखनी दोस्तों, बॉलिंग देखनी है इनकी। एक एक विकेट ले सकते हो, देखते एक बार एच रॉफ क्या कर रहे हैं। दो तीन दो एक तो ले लेते हैं दोस्तों फिर एच रूफ को, वरना अरे यार जनता हसन अली के साथ जा रही है, तो हम फिर वही लिखना पड़ेगा हसन अली स्मॉल लीग के लिए, और रोफ GL के लिए। तो चलिए दोस्तों अपनी टीम्स बन चुकी हैं, अब चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप निकालने के लिए एक बार, उसके बाद डायरेक्टली प्राइम टीम बनाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, शायद थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक ज़रूर करिए। तो इन तीनों बॉलर्स को लिया हमने, यहाँ से हमने इन दोनों में से कोई एक लेना है, लेकिन फहीम अशरफ थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि हम तीनों में से कोई एक प्लेयर ले सके, तो उनमें फिर नाम फहीम अशरफ का आएगा। बाबर पक्का लेना है, फकर लेने हैं यहाँ से, रिजवान, तो एक तरीके से नहीं, अभी बैटिंग यूनिट इनकी रहने देते हैं। ये रही दोस्तों इनकी बॉलिंग यूनिट, एक प्लेयर यहाँ पे दुनिया के साथ जाते हो ऐसा करें, ये इनका बॉलिंग यूनिट बन गया। अब चलते हैं इनका बैटिंग यूनिट देखने, रिजवान, बाबर, फकर, शोएब मकसूद, इमाम GL के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया इनका बैटिंग यूनिट, अब चलते हैं प्राइम टीम बनाने, जिसमें केवल 11 प्लेयर आएंगे। चार स्क्रीनशॉट अपने पास आ चुके हैं, शायद हमने 17 प्लेयर आपको बताए हैं, लेकिन अब उनमें से 11 प्लेयर की बारी है। तो चलिए दोस्तों प्राइम टीम का समय आ चुका है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये चीज़ ट्राई की थी, है ना, इंग्लैंड घर में बहुत तेज़ है, ये बात ध्यान रखना, तो साकिब महमूद, और ये भी बात ध्यान रखना पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है जो वन साइडेड हार के आ जाएगा, ठीक है, इंडिया भी नहीं है दोस्तों जो घर में हरा के आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप लगाइए फाइटिंग में ज़रूर होगा, लेकिन चांस ज़्यादा इंग्लैंड के ही है, तो आप यहाँ पे लगा के चलिए कि आपको पाकिस्तान की जगह ना एक बॉलर एक्स्ट्रा जो रखना है ना वो इंग्लैंड का रखना है, तो तीन जो बॉलर आपको पक्के रखने हैं,
एक तो नाम आएगा साकिब महमूद का, एक बेन स्टोक्स का, ठीक है, एक आपको इन दोनों में से कोई एक लेंगे, वो जनता देखते हैं जनता किसके साथ जा रही होगी, ठीक है। तो चलिए साकिब, एक मिनट फिल्टर दूसरी टीम पे लगाते हैं। साकिब महमूद जनता कम ले रही है, जनता डैनी ब्रिक्स को ले रही है, लेकिन हम तो इनके साथ जाएंगे। अब जो दो मैंने बोला, ग्रेगरी केवल बॉलिंग करेंगे, ठीक है, जबकि ओवरटन बॉलिंग एक तरीके से रेगुलर करेंगे, तो ओवरटन को ज़्यादा प्रेफरेंस, क्यों, क्योंकि इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है और ग्रेगरी के बैटिंग आने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अदरवाइज लेने को आप ले सकते हो। अगर देखा जाए तो इनके बैटिंग ऑर्डर में, एक मिनट क्रिकबस कहाँ पे है, इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग तो इनकी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बैटिंग तो ग्रेगरी की आ जाएगी, पहले बैटिंग हुई तो बात अलग है, तो पक्का आएगी, ठीक है। अभी तीन लेखते हैं, अगर दिक्कत कोई आई ना तो चौथा ले लेंगे बॉलर इनका। अब इनकी बैटिंग देखने चलते हैं इंग्लैंड की ही। तो यहाँ से दोस्तों बेन स्टोक्स तो पक्का आ चुका है, अब मलन, जैक कार्ले मैं पक्का ले रहा हूँ दोस्तों टीम में, ये मेरा पर्सनल पिक है, मैंने आपको बता दिया, आप लोग जेम्स विंस के साथ जा सकते हो, कार्ले मैं अपने खुद के रिस्क पे ले रहा हूँ, आप लोग विंस के साथ जा सकते हो, मैं रुक नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्रेडिट की दिक्कत आने वाली है तो आप लोग अभी से बैट बॉल 11 ओपन कर लेना, यहाँ पे आपको क्रेडिट की दिक्कत भी नहीं आएगी और इतने सस्ते हेड टू हेड आपको मिलेंगे भी कहीं पे नहीं, ठीक है, आप यहाँ पे खेल सकते हो दोस्तों। ये पड़ा जीएल, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब मलन एक तरीके से मुझे लगता नहीं चलेंगे, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए मलन को ले रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों देखने, तीन बैट्समैन इनके आ चुके हैं, तीन ही हमने बॉलर, अब एक बॉल एक प्लेयर इनका और लेंगे, और चार चार प्लेयर करने के लिए शायद मैं ग्रेगरी लूँगा, ठीक है, वो बात की बात है। अब चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरफ, तो अगली पिक की तरफ, तो सबसे पहले इनकी बॉलिंग देखी जाएगी, तो जो प्लेयर सबसे जिनको पता ही है कि लेना ही लेना है, उनमें नाम आएगा शाहिद अफरीदी का, शाहिद अफरीदी नहीं दोस्तों, शाहिन शाह अफरीदी, अब नाम उसका चढ़ा हुआ है दोस्तों मुँह पे, ठीक है। अब वैसे इन्फॉर्म है चरूफ है, लेकिन जनता हसन अली के साथ जा रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि आप हसन अली के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं अपने खुद के स्टैट्स फॉलो कर रहा हूँ और मैं एचरूफ के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं पाकिस्तान को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इंग्लैंड घर में है, अभी पाकिस्तान होता बात अलग है, लेकिन अभी इंग्लैंड को ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे। तो यहाँ से हमने विकेट कीपर एक तो लेना ही पड़ेगा, तो वो रिजवान के साथ जा रहे हैं, यानी दूसरा जो इनके अगेंस्ट ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था इनके अगेंस्ट, शोएब मकसूद, उसको नहीं लेना फिर, ठीक है। बाबर, फकर, जिनको पता ही है कि लेना ही लेना है, तो ये देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तान के तीन हमने बैट्समैन और दो बॉलर ले लिए, पाँच प्लेयर इनके बहुत है, अब एक प्लेयर आपको इंग्लैंड साइड से लेना है, अगर पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है, अगर पहले पाकिस्तान की आती है बैटिंग, तो आपको पाकिस्तान का लेना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए इंग्लैंड की बैटिंग पहले आ गई, देन यू शुड गो विद, एक मिनट ग्रेगरी कहाँ पे है, ये पड़ा, ठीक है। पाकिस्तान के फिर भी आपको दो ही बॉलर लेने हैं, ठीक है, ऐसे आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्राइम टीम का। अब मान लीजिए पाकिस्तान की जगह, सॉरी मैं इंग्लैंड की बैटिंग बोला था, इंग्लैंड की बैटिंग के अकॉर्डिंग बताया, अब पाकिस्तान की अगर पहले बैटिंग आती है तो आपको क्या करना है, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो रही है, रुको जरा, ग्रेगरी निकाल के फिर आपको शादाब खान लेना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे उन्हें क्रेडिट की दिक्कत आ रही है, क्यों, क्योंकि वो कार्ले नहीं लेना चाहते, वो विंस लेना चाहते हैं, तो आप लोग बैट बॉल खेल सकते हो, वहाँ पे आपको ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बारी है सी और वीसी की, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे शदाब नहीं लेना दोस्तों, हमने शदाब तो हमने वैसे भी नहीं लेना था, हमने फ़हीम अशरफ लेना था, हम क्या शदाब ले गए, वो गलत है दोस्तों, ठीक है। हमारा थंबनेल आने वाला है, सुमित जी का आज बर्थडे है, तो इन्हें विशेस ज़रूर करना आप लोग। तो ये देखिए दोस्तों, हमें फ़हीम लेना था, तो अब फ़हीम नहीं, अब तो ग्रेगरी लेना है ना, मैं पाकिस्तान का शदाब बोला है ना अगर मैंने, तो आप फ़हीम अशरफ कर लेना। तब तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों, बाबर,
बेन स्टोक्स, अदरवाइज साकिब महमूद, बॉलिंग लाइनअप से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनल रिस्क ले रहा हूँ, मैं साकिब महमूद के साथ जा रहा हूँ जिसे कोई भी नहीं बना रहा, ठीक है। रिस्की टीम है दोस्तों, मेरा खुद का रिस्क है। अब टीम देख लीजिए आप लोग एक बार, ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।